अच्छी फिल्म है, एक डिफरेंट फिल्म है. टुडे व्हेन एवरीथिंग इज सब मशीन कंट्रोल कर रहा है आदमी को, एंड अंडर दैट सर्कमस्टेंसेज आई थिंक दिस फिल्म इज अ रियली नीडेड फिल्म. इट्स एन आई ओपनर आणि डिफरेंट फिल्म है, डिफरेंट रोल है. आई जस्ट होप इट क्लिक्स बिकॉज इट ये कनेक्ट होती है हमसे. आज जो हम लोग जी रहे हैं उससे बहुत कनेक्ट करी फिल्म. किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किरदार तो किरदार है, डिफरेंट है, डबल रोल है, लेकिन मैं ज़्यादा कहने से अच्छा आई थिंक लोगों को देखना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इट इज़ लाइक गिविंग अवे और उसका एक मतलब है कैरेक्टर्स जो है फिल्म में. तो अगर मैं पहले बता दूंगा तो आई थिंक द ऑडियंस विल वोंट वांट दैट. बट मैंने अब तक ऐसे कोई रोल किया नहीं था, ऐसा रोल है. आई जस्ट होप आई डन ओके. नया साल आने वाला है, कोई रेजोल्यूशन बनाने? ना ना, मैं रेजोल्यूशन बनाता नहीं. आई थिंक इट्स सो फूलिश, यू नो, व्हाई शुड आई मेक अ रेजोल्यूशन द फर्स्ट, व्हाई कांट आई मेक इट टुडे, व्हाई कांट आई मेक इट टुमारो, यू नो. सो जो अगर बुरी चीज़ छोड़ना है तो उसके लिए न्यू ईयर की जरूरत नहीं पड़ेगी. इफ यू फील यू वांट टू लीव समथिंग व्हिच इज बैड फॉर यू, आई थिंक टुडे इज द बेस्ट डे, डोंट वेट फॉर एनीथिंग. अच्छा, म्यूजिक का दिन है तो म्यूजिक लोगों को काफी पसंद आया, तो क्या लगता है म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है अगर फिल्म में, इफ़ इट इज़ नेसेसरी. अगर ऐसे ही ठोक जाएगा तो वो म्यूज़िक कुछ मतलब नहीं रहता, बट ये फिल्म में वो म्यूज़िक की जगह है एंड इट इज़ इट कम्स एज अ पार्ट ऑफ द सीन. सो म्यूज़िक इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ गुड म्यूज़िक.